अरे भाई भाई ना तो भाई हाँ यही हूँ। तैयारियाँ हमसे ज़्यादा तो उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो उन्हें जज करने के लिए आई थिंक हमें मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। सो बिकॉज व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो वो ऑप्शंस में कहीं एक भी आप मिस ना कर जाए। एंड आई बिलीव इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड अ ऑसम प्लेटफॉर्म टू शो योर आर्ट एंड टू शो दैट व्हाट कैपेसिटी यू हैव, बिकॉज डांस सिंगिंग एंड एक इंसान में इतनी सारी गुण भी होना वो भी बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन आई मस्ट से, बिकॉज मुझे जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आई ओनली गेट टू मीट लॉट ऑफ गुड म्यूजिशियन एंड अ सिंगर जो जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं होता। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट शो फॉर देम। घर में ही बैठ के इमीडिएटली जब आप डाल देते हो, तो जैसे आपने किसी ने वायरल वीडियो के बारे में पूछा था, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। और इसके बाद उनकी जो आगे की चढ़ाई थोड़ी ईजी भी हो जाती है, बिकॉज यहाँ से ही थोड़ा सा पॉलिश होके जाएंगे तो आगे पहुँचते पहुँचते आई एम श्योर दैट वो अपनी अपनी जगह पहुँच भी जाएंगे। एंड इसमें 5 अलग अलग जगह है, अपना डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, और उसके अलावा भी 2 म्यूज़िक में भी एक ऐसी कैटेगरी उन्होंने रखी है कि ग्रुप और सोलो। तो सोलो एंड ग्रुप दोनों में ही इतना बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है, विच इज़ डेफिनेटली योर राइट, इट इज़ गोना बी डिफिकल्ट। रश्मि, एज अ जज क्या खास चीज़ें देखने वाले जो भी कंटेस्टेंट अप्लाई करते हैं और अगर आपके सामने परफॉर्म करते हैं? खास तो डेफिनेटली जब एक एक्टर आप देखते हैं परफॉर्म करते हुए, उनसे म्यूज़िक सिर्फ चला दो तो भी उसे इमोट करना पड़ता है इमीडिएटली, उसे एक मूड से दूसरे मूड पे फ्लक्चुएट करना पड़ता है इमीडिएटली, अपना स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है, कई बार हंसाना, कॉमेडी के टाइमिंग्स और सब, ये छोटी छोटी चीज़ें वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, कि ना कि जब आप आए ऑडिशन दे परफॉर्म करके और आप चले जाए। आई थिंक जजिंग इज मोर नर्वस एंड वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू इट, बिकॉज सी आई एम ट्राइंग टू टॉक बट द परफॉर्म इज सो लाउड आई एम नॉट एबल टू टॉक। सो ऐसे परफॉर्मेंस को जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये शो एक यूनिक शो है, और जो म्यूजिक की कैटेगरी है जो सोलो और बैंड, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है इसमें, और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा ऊपर जाएगा ये। सर, कोई टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन में कहा ऑडियंस आपको काफ़ी पसंद करती है और चाह रही है कि आप वापस कोई शो आपका आने वाला है या फिर कोई प्लानिंग है आप टेलीविजन पे? मैं शोज़ करती हूँ तो मुझे टीवी में ना एक डिफ़िकल्टी हमेशा हुई है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक किरदार में इतना प्यार दिया और वो भी कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक दिया है। उसके बाद मेरा एक दूसरा शो आया तो अपने किरदार को वॉश अप, मतलब वही इंप्रेशन को हटाने के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त लग गया था, एज फ्रॉम तपस्या टू शौर्वरी। सो द जर्नी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, येट मैंने तपस्या के बाद 3 साल का ब्रेक लिया था और उसके बाद मैंने ये शो किया था। बट स्टिल एज एन एक्टर आपने कुछ हमेशा वो खास नयापन, और लोग आपको जब एक्ट करें तब आपके साथ कनेक्ट भी करें और वो क्यों आपका शो भी देखे, तो आई थिंक दैट क्वालिटी ऑलवेज हैज टू बी देयर। मैंने एक शो ऐसा किया जिसमें मैं ग्रे थी, एक शो ऐसा किया है जिसमें मैं बहुत रोमांस कर रही थी, अब कुछ मैं कुछ नया करना चाहूँगी जो मतलब बहुत अनयूजुअल, जो रश्मि ने नहीं किया था। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर समथिंग वेरी पावर पैक्ड इन पावरफुल परफॉर्मेंस, एंड दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न आई हैव चोजन दिस शो, बिकॉज दिस जर्नी इज़ गोना बी इवन मोर ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड लॉट मेनी थिंग एज एन एक्टर। रश्मि, जैसे आपने हमने जो है गणेश जी को पूछा था कि उन्होंने जब करियर की शुरुआत की तो क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, आपको अगर थोड़ी सी जर्नी के बारे में आप अगर बात करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? मेरी जर्नी जैसे मैंने कहा था कि डिफ़िकल्टीज़ हमेशा आती है, लेकिन मैंने कभी डिफ़िकल्टीज़ को ऐसे देखा ही नहीं, मुझे पता था कि ये अभी प्रॉब्लम होगी। क्रिटिसिज्म बहुत होता है, इनसिक्योरिटी एक्टर्स में बहुत होती है, अदरवाइज़ आप दूसरे जो डिपार्टमेंट होता है डायरेक्शन क्रिएटिव उसमें भी मैं बहुत सहमी हुई और बहुत शांत रहती हूँ, मैं अपने काम के अलावा ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। बट
ये सारी डिफ़िकल्टीज होता है कि मेरे रोल कट कर दिए जाते थे, डायलॉग्स कट कर दिए जाते थे, लाइटिंग्स में भी बहुत एक्टर्स होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको कोई शेडो ना लगे और ये छोटी छोटी चीज़ें ताकि मैं गंदी दिखूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत देखी है, बट कहते हैं ना कि हार्डवर्क इज़ दी ओनली की, मेरे काम ने ही मुझे हमेशा आगे बढ़ावा दिया है, तो दैट इज़ द रीज़न आई एम स्टैंडिंग हियर। एंड ऐसे बहुत सारी आज भी तकलीफें ऐसी आती हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, नॉट ओनली विद हिज सन, विद मी ऑल्सो, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ दीज डेज, कि हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं एंड समबडी विल कम एंड ग्रैब इट ईजिली एंड दैट पर्सन इज़ एक्चुअली नॉट, मतलब ये उसके लिए डिजर्व करने वाली बात भी नहीं होती, बट ही दे गेट्स इट। सो या तो बड़े एक्टर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि बड़े एक्टर्स के साथ जब भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं रोल ओवरशेडो हो जाता है? नहीं, बट आई थिंक व्हेन यू वर्क इज़ वेरी गुड नो, सो आपको कोई पीछे हटा ही नहीं सकता। थैंक यू गाइस, थैंक यू।